हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि नया साल लग चुका है और इस नए साल में मुझे आप सबकी ढेरों शुभकामनाएं मिली हैं थ्रू इंस्टाग्राम, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर दैट। और इंस्टाग्राम पे ही मुझे बहुत सारे लोगों ने, जब से उन्होंने मेरे व्लॉग्स को देखा, मुझे और पश्मीना को देखा, और उन्हें ये पता चला कि आई एम अ मदर, तो मेरे मदरहुड जर्नी के बारे में, रिगार्डिंग माई प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी या फिर बेबी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं। सो मुझे भी लगा कि उन्हें मैं इन सारी एक्सपीरियंसेस को ड्यूरिंग दिस पीरियड जो मैंने हासिल किए हैं वो आपके साथ शेयर करूं। तो दोस्तों, मैं एक प्रेगनेंसी सीरीज़ ला रही हूं आपके लिए। इस प्रेगनेंसी सीरीज़ में मैं प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी या फिर बेबी रिलेटेड जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन हैं जो मुझे मिली हैं ड्यूरिंग माय मदरहुड जर्नी, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो आज का जो मेरा पहला टॉपिक है वो है प्रेगनेंसी मिथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये प्रेगनेंसी मिथ क्या होता है दोस्तों? जैसे कि आप जब प्रेग्नेंट हो जाते हो, आपके घर वालों को, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स को जब पता चलता है तो वो बहुत सारी चीज़ें आपको बताने लगते हैं, सिखाने लगते हैं। ऑब्वियसली वो आउट ऑफ लव होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो जो भी आपको बता रहे हैं वो सही हो, वो साइंटिफिकली प्रूवन हो। तो आपको उन्हीं चीज़ों को मानना चाहिए जो साइंटिफिकली प्रूवन हो, या फिर जो आपकी बॉडी ले रही हो, ले पा रही हो, उन्हीं चीज़ों को आप फॉलो करें, उन्हीं चीज़ों को माने। सो ऐसे बहुत सारे मिथ हैं जो मेरे साथ भी हुए हैं, मुझे भी सुनने को मिले हैं। सो उनमें से जो नंबर वन है वो है कि आपको दो लोगों का खाना खाना है। सो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, आपको दो लोगों का खाना नहीं खाना है। बस आपको अपने खाने में जो है न्यूट्रिशन की मात्रा बढ़ा देनी है। आप पहले जो न्यूट्रिशन लेते हो वो सिर्फ आपकी बॉडी तक ही, मतलब आपकी बॉडी को ही फिट हो रही थी, लेकिन अब जैसे आपकी बॉडी में एक और जान पल रही है तो आपको न्यूट्रिशन की मात्रा जो है वो बढ़ा देनी है अपने खाने में। खाना ऑब्वियसली आपको पहले से थोड़ा ज़्यादा खाना है, लेकिन 450 से 500 कैलोरी, इसके ऊपर आपको एक्सीड नहीं करना है। सो या दोस्तों, न्यूट्रिशन की मात्रा बढ़ानी है, खाना डबल नहीं करना है। हमारा जो नेक्स्ट मिथ है वो ये है कि आप अगर केसर वाला दूध पी के अगर रात को सोते हो ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी तो आपका बच्चा बिल्कुल गोरा चिट्टा एकदम सफ़ेद दूध जैसा पैदा होगा। तो ये भी बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि केसर वाला दूध पीने से बच्चा गोरा नहीं होता, बल्कि बच्चे का जो रंग है वो बहुत हद तक डिपेंड करता है बच्चे के पेरेंट्स के ऊपर या फिर उसके फोर फादर्स के ऊपर। उनका जो कलर है, बच्चे का कलर उन्हीं पे जाएगा, ना कि आप केसर वाला दूध पियेंगे तो बच्चा गोरा होगा, ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा ही होना है तो अफ्रीका के जो लोग हैं वहाँ की प्रेगनेंट लेडीज़ भी केसर वाला दूध पीती है ना ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी, और उनके बच्चे भी गोरे गोरे पैदा होते हैं। सो है ना, लॉजिक वाली बात। तो या गाइस, ये बात बिल्कुल गलत है कि केसर वाला दूध पीने से बच्चा गोरा पैदा होगा। और एक कॉमन मिथ ये है कि ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी आपको सी फूड नहीं खाना है। सो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप ही सोचिए, जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं जिनका स्टेपल फूड, प्राइम फूड सी फूड है, तो क्या वो प्रेग्नेंट नहीं होती वो लेडीज़? उनके घर में बच्चे नहीं होते? ऑब्वियसली होते हैं। तो ये भी गलत है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो सी फूड आप खा रहे हैं उसमें मर्क्यूरी लेवल जो है वो ज़्यादा ना हो, या फिर आप जब सी फूड खा रहे हो तो उसे अच्छी तरह से पका के खाइए। रॉ सी फूड या फिर आधा पका हुआ सी फूड ऐसा आप ना खाएं, क्योंकि ऐसा अगर खाते हैं तो या दैट विल डेफिनेटली कॉज हार्म टू यू एंड योर बेबी। सो इन दो चीज़ों का ख्याल रखिए, अदरवाइज़ या यू कैन हैव योर सी फूड। हमारा अगला जो मिथ है दोस्तों वो ये है कि जैसे ही आप लास्ट ट्राइमेस्टर में एंटर करते हो तो आपको घी जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लेनी है। अगर आप ज़्यादा घी खाओगे तो आपका जो बच्चा है वो नॉर्मल पैदा होगा, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो ये भी बिल्कुल गलत है दोस्तों, घी ज़्यादा खाने से नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, क्योंकि अगर लास्ट ट्राइमेस्टर में ऐसे ही हमारा जो बॉडी वेट है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा होता है, बच्चे का वेट भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा होता है, तो इस पर अगर आपने ज़्यादा मात्रा में घी ले लिया तो आपका बॉडी वेट और ज़्यादा हो जाना है, तो इससे नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं बल्कि जो सी सेक्शन होता है उसमें भी आपको कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको घी नहीं लेना है, या डेफिनेटली आपको घी लेना है, बिकॉज घी से हमें फैट मिलता है एंड फैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, और हमारे बोन्स और मसल्स को भी बहुत ही स्ट्रांग रखता है घी। तो घी या डेफिनेटली आपको लेना है, बट आप हमेशा ये याद रखें कि आप दिन में एक चम्मच से ज़्यादा घी ना लें, अदरवाइज़ फिर आपको मोटापा का सामना भी करना पड़ सकता है।
और एक मिथ ये है दोस्तों कि जो आपकी घर के आसपास जो आंटीज वगैरह होती हैं वो लोग ये कहती हैं कि ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी आपको बहुत ज़्यादा वेट गेन करना होगा, बहुत ज़्यादा मोटा होना होगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा वेट गेन करोगे बच्चा उतना ही गोलू मोलू सा एकदम मोटा सा पैदा होगा। तो या डेफिनेटली बच्चे तो गोलू मोलू मोटे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अगर मोटे होंगे, आप अगर ज़्यादा वेट गेन करेंगे तो ही आपका बच्चा गोलू मोलू और मोटा सा पैदा होगा। नो, मैंने ऐसे बहुत सारी औरतों को देखा है जो जिन्होंने बिल्कुल अपना वेट गेन नहीं किया, बहुत ही कम मिनिमम वेट गेन किया, फिर भी उनके बच्चे बिल्कुल एकदम मोटे गोलू मोलू से पैदा हुए। तो ये बात भी गलत है, आपको ज़्यादा वेट पुट ऑन नहीं करना है। इनफैक्ट साइंस ये कहती है कि प्री प्रेगनेंसी आपका जो वेट है आपको उसमें से 7 to 8 kg से ज़्यादा वेट बढ़ाना है ड्यूरिंग योर होल प्रेगनेंसी पीरियड, उससे ज़्यादा आपको एक्सीड नहीं करना है। तो या आप वेट बढ़ाने के ऊपर ना जाएं फ्रेंड्स, आप अपने आप को स्ट्रांग और हेल्दी रखने के ऊपर जाएं, ना कि वेट बढ़ाने के ऊपर। हमारा जो नेक्स्ट मिथ है वो ये है कि ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी अगर आप अपने एब्डोमेन एरिया पे विटामिन ई या फिर कोको बटर लगाते हैं तो आपको स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएंगे। तो आई एम सो सॉरी लेडीज़, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दुनिया में अभी तक कोई भी क्रीम या फिर कोई भी तेल ऐसा नहीं बना है जो आपको स्ट्रेच मार्क्स आने से बचा सकता हो। या डेफिनेटली प्रेगनेंसी के दौरान आपको स्ट्रेच मार्क्स आएंगे ही आएंगे, हाँ किसी को कम किसी को ज़्यादा ये हो सकता है अकॉर्डिंग टू द स्किन क्वालिटी स्किन टाइप, मगर स्ट्रेच मार्क्स तो आने ही आने हैं। या आप अपनी खुशी के लिए कोई भी ऑयल या फिर क्रीम लगा सकते हैं, जैसे कि मैं भी लगाती थी, बट इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों, स्ट्रेच मार्क्स तो आपको आने ही आने हैं। सो या फ्रेंड्स, ये है वो कुछ कॉमन मिथ्स जो मुझे सुनने पड़ी ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी। सो आई एम श्योर आपको भी ऐसे बहुत सारे मिथ्स का सामना करना पड़ा हो आपकी प्रेगनेंसी के दौरान। तो इनमें से अगर कुछ है या फिर कुछ अलग है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता सकते हैं। और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि अगर आपने इन मिथ्स को फॉलो किया है तो क्या ये आपके साथ हुआ है जैसा कि कहा जाता है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारी लेडीज़ से बातें की हैं जिन्होंने ये कहा है कि उन्होंने इन मिथ को फॉलो किया है और उनके साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसा कि कहा जाता है। सो या डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, इसीलिए तो मिथ बनते हैं, है ना दोस्तों। बट यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये जो मिथ्स हैं ये बिल्कुल भी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, सो इन पर आप आँख मूंद कर विश्वास मत कीजिए। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि घर में शांति बनाए रखने के लिए या फिर अपने बड़ों को इज्जत देने के लिए आपको इन मिथ्स को मानना भी पड़ता है। तो मैं तो कहूँगी इसमें भी कोई बुराई नहीं है, बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये जो मिथ है आपको कोई नुकसान ना पहुँचाए। सो फ्रेंड्स, जैसे कि पश्मीना उठ चुकी है तो मुझे इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करना होगा। अगले दिन इसी सीरीज़ पर किसी और टॉपिक पर आपसे बातें होंगी। टिल देन डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज सुधाश्री आचार्य, और हाँ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। टिल देन बाय।